हेलो गाइस, वेलकम टू माय किड्स किचन। आज हम कड़ा प्रसाद बनाने जा रहे हैं। पहला दिन है तो मैं उनकी से शुरुआत करूं। हमारे यहाँ पे बाबा जी मानते हैं, मतलब आयु जी से, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कड़ा प्रसाद से। आइए हम आपको बताते हैं कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाना है, आप भी हमें जरूर ट्राई कीजिए। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे घी गर्म कर लिया है और पानी गर्म हो रहा है, तो अब हम सबसे पहले डाल लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ये सामान। आटा कड़ा प्रसाद बनाएंगे तो आटा डालेंगे सबसे पहले और बाद में चीनी डालेंगे, ठीक है। चलो अब चलो करते हैं। ये हमने डाल दिया आटा और ये हमारी है करछी, इसे हम हिलाएंगे। अब ये धीरे धीरे से ना गर्म हो रहा है और इसको धीमे आंच में हम भूनेंगे। जैसे गुरुद्वारे में ये हलवा बनता है वैसे बनाएंगे, और आप भी घर में जो ट्राई करना, बहुत स्वाद बनता है। उसके लिए पानी गर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आटा का जो प्रसाद है वो गिल्टे ना बनाए अपनी, ठीक है। तो इसमें आज में भूनते रहेंगे हम, हल्का ब्राउन हो जाएगा जब ये अपने आप घी छोड़ देगा। हेलो मम्मी, अब इसको चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। जब तक ये अच्छे से ब्राउन हो जाता है हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखो, ये शरारती कर रहा है बीच में, ये बहुत शरारती है, बीच में बोलता रहेगा। इसका कोई काम भी नहीं होगा ना तो भी बोलेगा। चलो हम इस पर देखते हैं। और थोड़ी सी आँच ज़्यादा ही धीमी हो गई है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे और फिर से इसको चलाएंगे। देखो गाइस, ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है और ये अब प्रसाद बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से और ब्राउन करते हैं ताकि इसका अपना कलर निकल के बाहर आएगा, और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसमें चीनी ऐड करके फिर हम इसको अच्छे से हिला के अच्छे से पानी जब सूख जाएगा फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम इसलिए चलाते हैं ना बीच में ताकि नीचे लगे ना, फिर लगने से कोड़ापन आ जाता है, इसलिए हमें इसको चलाते रहना चाहिए। देखिए कैसे क्या कलर आया है, वाओ। और आपका भी मन कर रहा होगा कि यार हम भी बना लेते हैं, चलो देखते देखते मन कर ही पड़ता है, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए ही है, और मेरे घर में तो सारे ऑलरेडी बहुत मीठा पसंद करते हैं। चलो अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं जो हमने गर्म कर चुके हैं, और गर्म हो गया है ये पानी, और इसमें पानी ऐड करके फिर हम चीनी मिलाते हैं, ठीक है गाइस। और ये लीजिए, हमने धीरे धीरे पानी मिलाना है ताकि आपके ऊपर कोई छींटे ना पड़े, बिल्कुल आराम से। ये देखिए कैसे छोड़ रहा है ये पानी का उबाला। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब इसको हम हल्के हल्के आँच में हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे ताकि ये अपना पानी सारा सोख ले और उसमें गिल्ट भी ना बने। इसके बाद
हम साइड से भी सारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसका कलर आ गया बाहर धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल कड़क प्रसाद तैयार। अब हम इसमें अच्छे से मिक्स और करेंगे ताकि ये और अपना पानी अच्छे से सोख ले और घी छोड़ दे। इसका मतलब कि अगर ये घी छोड़ देता है ना, तो इसका मतलब कि हलवा रेडी है। ये देखिए धीरे धीरे ये घी छोड़ने लगा। हम इसको थोड़ा सा तेज आँच कर लेते हैं, क्योंकि अब पानी बिल्कुल सूख चुका है ना, तो इसलिए ये तैयार हो गया। अब इसके साथ हम करेंगे प्लेटिंग, और हम आपको बस प्लेटिंग करके दिखाते हैं, ठीक है जी। ये हमने रखी है कढ़ी, इसमें हम करेंगे प्लेटिंग आराम से, ताकि और अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि उठाने में आसानी हो। देखते हैं सब, हम इसको आराम से उठाते हैं। इसमें प्लेटिंग करेंगे, ये देखिए, और उठा लेंगे। देखिए गाइस, बिल्कुल रेडी। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मेरा आज पहला दिन है, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें और फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा रेसिपी देखा और इसको, मुझे पता है कि आप इस रेसिपी को पसंद भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।